रात के अंधेरे में हुआ बालू का खेल का शुरुआत और धनबाद अब हो गया मालामाल। यहाँ बालू ठेकेदार लोग निर्भीक होकर के पुलिस और प्रशासन तथा वहाँ के अंचल अधिकारियों के साथ सेटिंग के बाद ही ये काम शुरू हुआ। अवैध तौर पे ये काम कानूनी रूप से इसका अंजाम दिया गया, यानी कि दिन दहाड़े बिना रोक टोक के ये कार्य जो है धरल्ले से फल फूल रहा है। सरकार का लाख रोक के बावजूद भी इसे रोक नहीं पाया। कुछ दिनों से धनबाद में रात के अंधेरे में फिर से शुरू हो गया बालू का खेल। धनबाद में एनजीटी की रोक के बावजूद भी बड़े पैमाने पे हो रहा है प्रतिदिन अवैध बालू की तस्करी। होने वाली इस तस्करी में अंचल एवं थाना स्तर के स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात के अंधेरे में 80 से 100 हाईवा एवं कई ट्रैक्टरों पर अवैध बालू लोड करके बेजरा एवं सिजवा घाट से धनबाद शहर और आसपास के इलाकों में खपाया जा रहा है। रात के अंधेरे में ऐसा होता है यह खेल। बेजरा और सिजवा घाट से दिन में ही बालू तस्कर नदी से निकलवाकर बालू का भंडारण करवा लेते हैं और शाम ढलते ढलते वाहन की एंट्री शुरू हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार का खेल जो है बराकर नदी यानी कि मनियाडी के इलाका में होता है, जो टुंडी थाना के अंतर्गत होता है। वहाँ भी दिन दहाड़े बालू को इकट्ठा किया जाता है नदी से निकाल करके एक जगह डंप करने के पश्चात रात के अंधेरे में फिर बालू जो है राजगंज आपका तोपचाची बरवड्डा और ये सब सारा इलाका होते हुए धनबाद शहर में खपाया जाता है। ये खेल बिना पुलिस अधिकारी के देखरेख में संभव नहीं है। सब लोग एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ ये काम कर रहे हैं। पेट दोनों का भर रहा है, पॉकेट दोनों का फूल रहा है, लेकिन सरकार को राजस्व के रूप में एक ठेंगा मिल रहा है। जब सरकार के ही पदाधिकारी अवैध रूप से तस्करी कराने के लिए समर्थन दे रहे हैं तो भला उसे कौन रोक सकता है। आज तक तो रुका नहीं, आगे का कोई चांस नहीं है कि ये रुक जाएगा। सवाल एक बार फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये किस तरह का कानूनी व्यवस्था है कि इसमें कोई भी आदमी ठीक ढंग से संज्ञान नहीं ले पा रहा। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी प्रशासन सशक्त क्यों नहीं हो पा रही है। निरसा थाना के अंतर्गत ये सारी कार्रवाई होती है। गिट्टी बालू धड़ल्ले से चल रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि जब थाना पुलिस ही सेट है तो फिर उसे रोकेगा कौन? फिर उसके लिए नए पुलिस महकमा का गठन करना होगा, पता नहीं वो भी घुसखोर निकल जाए। बड़ा विचित्र विडम्बना है। BDO CO पता नहीं क्या कर रहे हैं। बस सरकार एक कानून बनाया कि भाई अभी बालू का टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन विगत कई सालों से ये घटनाएं घट रही है और लगातार चल रही है। टेंडर मात्र एक बहाना है, यानी कि लीगली गवर्नमेंट को राजस्व जाएगा, वहां भी घोटाला होता है। मतलब हर जगह घोटाला का साम्राज्य फैला हुआ है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।